59 पंचायतें ही ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी, आज 1 लाख से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। बहुत जल्द हम देश की सभी 2.5 लाख पंचायतों को इस फाइबर से जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। साथियों, 2014 में देश में सिर्फ 83,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, आज भारत में 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज वाले इलाकों में सरकार 32,000 से ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट्स मुहैया कराने पर काम कर रही है। डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 4 वर्षों में भारतीयों के जीवन जीने का तरीका बदल दिया है। साथियों, ये सब इंडस्ट्री 4.0 ही है कि 2014 में एक भारतीय नागरिक जितने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करता था, आज उससे 30 गुना से भी ज्यादा मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहा है। ये भी दिलचस्प है कि आज यहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा कंजम्पशन भारत में हो रहा है, वहीं पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भी भारत में ही उपलब्ध है। इसकी वजह है कि 2014 के बाद से भारत में मोबाइल डेटा की कीमत में 90% से ज्यादा भी कमी आई है। साथियों, ऐसी ग्रोथ स्टोरी आपको दुनिया के किसी देश में सुनने को नहीं मिलेगी। भारत की यह सक्सेस स्टोरी अप्रत्याशित है। आज भारत दुनिया के सबसे विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों में से एक है। आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, ई साइन, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नैम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम, डीजी लॉकर जैसे यूनिक इंटरफेसेस भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी लीडर बनने में मदद कर रहे हैं। इनकी वजह से ज्यादा लोग तेजी के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने देश के स्टार्टअप्स को भी इन प्लेटफॉर्म पर इनोवेट करने का मौका दिया है। ये इनोवेशंस देश के एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। साथियों, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च से जुड़ा रोबर्स इकोसिस्टम तैयार करने के लिए नेशनल स्ट्रेटजी कुछ महीने पहले ही बनाई जा चुकी है। सबका साथ सबका विकास के विजन पर चलते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल का नाम दिया गया है। कैसे रिसर्च इकोसिस्टम बनाया जाएगा, एडॉप्शन को प्रमोट किया जाएगा, स्किलिंग चैलेंजेस को निपटा जाएगा, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। विशेष ध्यान उन सेक्टरों पर दिया गया है जो भारतीय जनमानस से भी जुड़ते हैं, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा। इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा अनेक पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा चुका है। इसी कड़ी में पिछले दिनों मोबिलिटी पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर हमने आयोजित की। साथियों, मुंबई में WEF का ये नया सेंटर इस कड़ी को और मजबूत करने का काम करेगा। ये सेंटर सबका साथ सबका विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रेरक और पूरक की तरह काम करेगा। ये सेंटर
नई नई उभरती टेक्नोलॉजीज के इर्द गिर्द सरकार की नीतियों को डिजाइन करने में मदद करेगा। ये सेंटर भारत के पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, विभिन्न राज्य सरकारों के काम में नई चेतना जगाने, इंडस्ट्री 4.0 के नए आयामों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी मात्रा में मदद करेगा। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ इस सेंटर ने ड्रोन्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से गवर्नमेंट सर्विसेज को सुधारने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है और इसके लिए मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जरूर बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हर राज्य में ऐसी अनेक परियोजनाएं शुरू होगी। साथियों, भारत में इंडस्ट्री 4.0 की मजबूती से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार से, जहां एक तरफ देश के लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी बेहतर सुविधाएं मिलेगी, वहीं इलाज पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा। कृषि क्षेत्र में इसका विस्तार होने से एक तरफ किसानों की उपज बढ़ेगी, अनाज की बर्बादी रुकेगी, तो दूसरी तरफ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। ये तकनीक भारत के किसानों को मौसम, फसल और बीज बोने के चक्र के संबंध में सही फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। ये स्मार्ट सिटी और भारत में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही देश के गांव-गांव तक कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकती है। स्मार्ट मोबिलिटी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक और शहरों में जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने में भी नई तकनीकों से भारत को सहायता मिलने वाली है। हमारा देश भाषाई विविधता से संपन्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अलग अलग बोलियों और भाषाओं में विचारों का आदान प्रदान और आसान हो सकता है। ऐसे ही भारत के मेरे दिव्यांग भाई बहनों के सामर्थ्य को और मजबूत करने में, उनके जीवन में आने वाली परेशानियों को कम करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी भूमिका है, उसके अनेक उपयोग है। साथियों, इन सभी प्रमुख विषयों में अलग अलग स्तर पर भारत में काम शुरू हो चुका है। इन कार्यों में सॉल्व फॉर इंडिया, सॉल्व फॉर द वर्ल्ड का लक्ष्य भी समाहित है। हम लोकल सॉल्यूशन से ग्लोबल एप्लीकेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। तमाम सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिलेगी। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि भारत बहुत ही जल्दी अपनी ड्रोन्स पॉलिसी का भी ऐलान करने वाला है। साथियों, जब पहली औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत गुलाम था।
जब दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई तब भी भारत गुलाम था, जब तीसरी औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत स्वतंत्रता के बाद मिली चुनौतियों से ही निपटने में संघर्ष कर रहा था। लेकिन अब 21वीं सदी का भारत बदल चुका है। मैं आज पूरे विश्वास से अपने देश के 130 करोड़ लोगों के सामर्थ्य से कह रहा हूं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के लाभ से वंचित नहीं रहेगा, बल्कि मैं मानता हूं कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत का योगदान पूरे विश्व को चौंकाने वाला होगा। अभूतपूर्व, अप्रत्याशित, अकल्पनीय योगदान भारत का होगा। हमारी विविधता, हमारी डेमोग्राफिक पोटेंशियल, फास्ट ग्रोइंग मार्केट साइज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन का ग्लोबल हब बनाने की क्षमता रखता है। भारत में होने वाले इनोवेशंस का लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा, पूरी मानवता को मिलेगा।